डीएनए की अगली खबर की शुरुआत भूकंप से जुड़ी कुछ तस्वीरों से करते हैं। देश में 3 दिनों में भूकंप के कई झटके आए हैं, इससे भूकंप को लेकर डर बढ़ गया है। दरअसल भूकंप एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आप डर जाते हैं, जिसके आने का मतलब तबाही और बर्बादी ही होता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है। भले विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन आज भी इस प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप के सामने इंसानी शक्तियां कमजोर ही साबित होती है, क्योंकि ना तो इसके आने का वक्त पता चल पाता है और ना ही इसकी तीव्रता का आकलन किया जा सकता है। बेशक इंसान ने इस आपदा से खुद को बचाने के कई कोशिशें की, लेकिन अब भी भूकंप की चुनौतियों से जीतने में हम पीछे हैं और तमाम तकनीक के सहारे भी हम भूकंप के सामने लाचार ही नजर आते हैं। आज भी अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 5.7 और 3.5 मापी गई और बीते दिनों भूकंप के ऐसे कई झटके महसूस किए गए हैं। इसलिए आज इंसान के अनुमान से परे इस प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप की प्रक्रिया का हम विश्लेषण करने वाले हैं। 8 नवंबर को रात करीब 2 बजे देश के कई हिस्सों में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.3 थी और इस भूकंप का केंद्र नेपाल था, लेकिन इसका असर दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी महसूस किया गया। और अगले दिन यानी कि बुधवार को सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके आए और उसकी तीव्रता 4.3 थी। आज फिर से पूर्वोत्तर में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 5.7 थी। यानी केवल 36 घंटे में देश के कई हिस्सों में ज्यादा तीव्रता के साथ भूकंप के झटके आए हैं और इन सभी भूकंप के केंद्र में हिमालय है। भूकंप और हिमालय के बीच जो संबंध है उसको लेकर अब दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिमालय क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि ये भूकंप कब आएगा इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए इससे डरने के बजाय भूकंप को लेकर हमारी तैयारी ज्यादा दुरुस्त होनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। यह दावा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के सीनियर भू भौतिक विज्ञानी डॉक्टर अजय पॉल ने किया है। उनके मुताबिक बार बार यह भूकंप यूरेशियम और इंडियन प्लेट की वजह से हो रहा है। भूकंप के लिए जो वजह बताई जा रही है उसके केंद्र में हिमालय और अलग अलग प्लेट्स हैं और इससे ही भूकंप के खतरे को समझा जा सकता है। इसलिए आज डीएनए में हम खबर के साथ साथ भूकंप से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे। अक्सर आप सुनते हैं भूकंप के झटकों के बाद इसके एपिसेंटर के बारे में जानकारी साझा की जाती है और यह बताया जाता है कि वो जमीन से कुछ किलोमीटर नीचे था। दरअसल ये भूकंप को जानने और समझने का तरीका होता है। पृथ्वी के अंदर की संरचना को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे नीचे के हिस्से को इनर कोर, उसके बाद के हिस्से को आउटर कोर और उससे ऊपर के हिस्से को मेंटल यानी कि आवरण और सबसे ऊपरी हिस्से को क्रस्ट यानी कि भू परपट्टी कहा जाता है। अभी आप एनिमेशन में ये सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको सरल भाषा में आपको समझाने के लिए भूकंप को, भूकंप कैसे आता है इसको समझाने के लिए हमने एनिमेशन को तैयार किया है और उस पर हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप सरल भाषा में समझें इस प्राकृतिक आपदा को, जिसके लिए हम लगातार कोशिश तो कर रहे हैं कि इसका उपाय, इसकी जानकारी हम इकट्ठे कर लें, लेकिन विज्ञान अभी तक उस तरक्की के दौर पर नहीं पहुंच पाया। पृथ्वी के नीचे जितना आप जाएंगे उतना ही वहां का तापमान बढ़ जाता है और इनर कोर में यह तापमान करीब 5200 डिग्री सेल्सियस होता है। भूकंप के आने की शुरुआत यहीं से होती है। तापमान ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी के भीतर लगातार हलचल होती रहती है और हलचल का असर पृथ्वी के प्लेट्स पर होता है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। पूरी पृथ्वी इन प्लेट्स में बटी है। अब आपको मैप पर हम ये प्लेट्स दिखाते हैं ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। ये प्लेट्स अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग नाम से बटे हुए हैं। किसी प्लेट के ऊपर कोई देश है तो किसी प्लेट के ऊपर समुद्र है, किसी प्लेट के ऊपर पहाड़ है तो किसी प्लेट के ऊपर नदी और रेगिस्तान। इन सभी प्लेट्स में सबसे बड़ा प्रशांत प्लेट है, जबकि भारत पर असर डालने वाले यूरेशियम और भारतीय प्लेट्स हैं। कुछ प्लेट्स बेहद छोटे हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं। ये प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो भूकंप आता है। दुनिया की जिन देशों में सबसे ज्यादा भूकंप आता है वो देश उन जगहों पर बसे हैं जहां ये प्लेट्स आपस में जुड़ते हैं। ये सभी प्लेट स्थिर नहीं होते बल्कि धीरे धीरे आगे पीछे खिसकते रहते हैं।
इसलिए सभी प्लेट्स मुख्य तौर पर तीन तरीके से काम करते हैं। पहले तरीके में एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है, दूसरे में एक प्लेट और दूसरे प्लेट से अलग हो जाता है, और तीसरे तरीके में दोनों प्लेट एक दूसरे के आसपास खिसकते हैं। जब प्लेट टकराते हैं तो दो अलग अलग संभावनाएं होती है। पहली ये कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ जाए या दोनों प्लेट की टक्कर बराबर की हो और दोनों प्लेट का एक हिस्सा ऊपर उठ जाए। हिमालय का निर्माण भी दो प्लेटों के टकराने और उसके बाद ऊपर उठने की वजह से हुआ है। और दूसरा तरीका यह होता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाएं, ऐसे में खाई बनती है और समुद्र झील का निर्माण होता है। ये सभी प्रक्रियाएं धीरे धीरे और कई करोड़ वर्ष में से जारी रहती है। और ये प्लेट्स कैसे काम करते हैं, इसे और अच्छे से समझने के लिए अब आपको हम एक्सपर्ट्स की राय भी सुनवाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स प्रक्रिया ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके तहत ये प्लेट मूव करती हैं। जैसे इंडियन प्लेट जो है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा में जा रही है और वो उधर यूरेशियन प्लेट से टकराती है और जिसकी वजह से हिमालय में भूकंप आते हैं। इनफैक्ट यही प्रक्रिया है जिसकी वजह से सारे हिमालय माउंटेन्स बने हैं, जिस पर्वत श्रृंखला जिससे बनी है, और वही प्रक्रिया है जिसकी वजह से भूकंप भी आते हैं। जो हमारे जो मेजरमेंट्स हैं, जो डेटा हैं, जो हम लोगों ने जितने भी रिसर्च की है उसके तहत ही पाया है कि साहब ये प्रक्रिया अभी भी चालू है। यहाँ पे लगातार प्लेट का जो मूवमेंट है वो बना हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेन एक्युमुलेशन कई इलाकों में जो एनर्जी जो है वो संचित हो रही है हिमालय नाग में, वो कई सारे इलाके हैं। तो ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पे कि भूकंप आने की संभावना हो सकती है। अब एक मैप हम आपको और दिखाने वाले हैं क्योंकि भारत में भूकंप के लिए इस मैप के मुताबिक यूरेशियम प्लेट और भारतीय प्लेट जिम्मेदार है। और दुनिया भर के दूसरे प्लेट की तरह यूरेशियम प्लेट और भारतीय प्लेट भी आपस में टकराते रहते हैं और इस टकराव में भारतीय प्लेट धीरे धीरे यूरेशियम प्लेट के नीचे आ रहा है। ये जो मैप अभी आप देख रहे हैं, इसलिए टकराव के दौरान छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब दोनों प्लेट्स के बीच जोरदार टक्कर होती है, ज्यादा जोर से टक्कर होती है, तो भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है। और भारत में भी आजकल इन दोनों प्लेट्स की टक्कर की वजह से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आ रहे हैं। जानकार भी इन दोनों प्लेट्स के बीच हो रही टक्कर को भूकंप की वजह मानते हैं। जो भूकंप की प्रक्रिया है हिमालय में वो इंडियन और एशियन प्लेट के कोलिजन से की वजह से होती है। हिमालय उस लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है जहाँ पे कि सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। उसके अलावा भूकंप आपको जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जिसको इंडो बर्मीज आग कहते हैं वहाँ भी आते हैं। आपको इसका सुमात्रा अंडमान को तो पता ही है जहाँ पे कि सबसे बड़ा 2004 में 9.2-9.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। जो हमारे जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो दक्षिणी इलाका है जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, वहाँ पर भूकंप आने की संख्या थोड़ी कम है और उसका रीज़न ये है कि वो प्लेट बाउंड्री रीजन नहीं है। तो वहाँ पर भूकंप की प्रक्रिया, वहाँ पर जो फॉल्ट्स हैं, जो वीक जोन्स हैं जहाँ पे भूकंप आने की भूकंप जहाँ पे ज़्यादा आते हैं, उस तरह की चीज़ वहाँ पे नहीं है, बट वहाँ भी कुछ मतलब अक्सर भूकंप आते हैं। आपने विशेषज्ञ को सुन लिया, लेकिन मैं इसको और सरल भाषा में आपके बीच रखूंगा ताकि आप समझ पाएं कि कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है भूकंप और किन स्थितियों में भूकंप आता है। अब आपको एक बार फिर से हम मैप दिखाते हैं और इन प्लेट से जुड़े जो मूवमेंट हैं उसको, वो जो दिलचस्प जानकारी है वो आपको बताते हैं। इससे आप समझेंगे कि ये प्लेट कैसे काम करते हैं और इनका असर कितना ज़्यादा होता है। मौजूदा आप भारतवर्ष के बनने की कहानी जान पाएंगे और ये भी आप समझ पाएंगे कि प्लेट्स ने किस तरह से भारत को कहां से कहां पहुंचाया है। आज भारत जहां है, करोड़ों वर्ष पहले कहीं और था। अब इस एनिमेशन को देखिए, आज से 7 करोड़ 10 लाख साल पहले भारत पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे भारतीय प्लेट अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुआ और उत्तर की ओर बढ़ता गया। उस समय भारतीय प्लेट्स के आगे बढ़ने की रफ्तार प्रति वर्ष 8 से 16 सेंटीमीटर थी और ये स्पीड, मैं फिर से बता रहा हूं, 8 से 16 सेंटीमीटर, और ये स्पीड कितनी धीमी होती है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस स्पीड से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर 8,333 वर्ष लग जाएंगे।
और इस तरह धीरे धीरे भारतीय प्लेट आगे बढ़ती गई। अब यह भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, इसलिए एक्सपर्ट्स आज ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले दिनों में टक्कर तेज हो सकती है और हालात बिगड़ सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हिमालय और हिंदू कुश का रेंज भारत में बड़े भूकंप की संभावना को जन्म देता है। ऐसा नहीं है कि यह भूकंप केवल भारत में बल्कि उन सभी जगहों पर आ सकती है जो हिमालय के आसपास है, और इसका असर कई सौ किलोमीटर दूर के बीच भी देखा जा सकता है, यानी कि आप कितनी भी दूर क्यों ना हो लेकिन उसका इंपैक्ट महसूस किया जा सकता है। दुनिया के कुछ बड़े भूकंप हिमालय के आसपास आए हैं। नेपाल का 2015 में जो भूकंप नेपाल में आया था उसकी तीव्रता 7.8 थी, या फिर 2005 में पीओके के मुजफ्फराबाद में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 7.6 थी, और इसी तरह वर्ष 1905 में कांगड़ा में लगभग 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, और इन सभी भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी। वैसे हिमालय रेंज में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 6 जून 1505 को आया था, उसके बाद से अभी तक उस तीव्रता का भूकंप नहीं आया, क्योंकि उस समय भूकंप को मापने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए इसकी तीव्रता का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जो अनुमान हुआ था उसके आधार पर उसकी तीव्रता का केवल अनुमान ही लगाया गया, और जानकारों ने यह माना कि प्लेट्स में जो लगातार टक्कर होती रहती है उसकी वजह से हिमालय रेंज भारत में भूकंप की सबसे बड़ी वजह है, और यह ऐतिहासिक तौर पर बार बार देखने को मिलता है। बरसों से आ रहे भूकंप के आधार पर वैज्ञानिकों ने पूरे भारत को अलग अलग जोन में बांटा है, और उनमें उन हिस्सों को जो हिमालय के आसपास हैं उसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव बताया गया है। भूकंपीय जोन के मुताबिक देश का करीब 59% हिस्सा मध्यम या गंभीर भूकंप की चपेट में है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। जोन 5 भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे खतरनाक है, और इस जोन में कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय के साथ साथ उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्व भारतीय क्षेत्र, कच्छ का रण और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इस हिस्से में बड़े विनाशकारी भूकंपों की आशंका लगातार बनी रहती है, और 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भी भारी भूकंप आया था, और उसकी तीव्रता उस वक्त 7.7 आंकी गई थी। जोन 4 में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गंगा के मैदानों के कुछ हिस्से, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर बंगाल जैसे क्षेत्र आते हैं, और दिल्ली भी जोन 4 में है। ये जोन भी भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक है, और इसमें आए भूकंप से काफी ज्यादा नुकसान होने का खतरा होता है। दिल्ली जैसे शहरों में जो भूकंप के लिहाज से बेहद सेंसिटिव हैं, वहां भूकंप रोधी घर बनाए भी नहीं जाते हैं, बल्कि जोन 3 में भूकंप का खतरा मध्यम स्तर का माना जाता है। इस जोन में चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और भुवनेश्वर जैसे कई शहर हैं, जबकि जोन 2 में भूकंप का खतरा उससे कम होता है, उसमें भूकंप से कम नुकसान का जोखिम होता है। त्रिची, बुलंदशहर, मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे शहर इस जोन में आते हैं, और जोन 1 का जिक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि इस जोन में भूकंप की संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए अब इस जोन को हमने नहीं दिखाया है। इस मैप में आप समझ चुके होंगे कि भारत का एक बड़ा हिस्सा भूकंप के बड़े खतरे से घिरा हुआ है, इसलिए आने वाले भूकंप को लेकर चेतावनी दी जा रही है। जानकार मानते हैं कि भूकंप भले ही हिमालय की वजह से आए लेकिन इसका असर हिमालय के आसपास और उससे दूर भी दिल्ली जैसे कई हिस्सों में आएगा, इसका इंपैक्ट हो सकता है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका तो हिमालय ही है, और वहीं पे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सबसे बड़े भूकंप भी वहीं आते हैं। और लेकिन उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि डैमेज के क्षति के लिहाज से जो हिमालय से लगा हुआ जो तराई का पार्ट है वहाँ पे डैमेज होने की ज़्यादा संभावना रहती है। आपको याद होगा 1934 में ऐसा हुआ था कि जब भूकंप तो हिमालय में आया था लेकिन उसका डैमेज जो हुआ था वो बिहार के इलाके जो क्षेत्र था उसमें बहुत ज़्यादा हुआ था। भूकंप को मापने का तरीका रिक्टर स्केल है, और इससे ही पता चलता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। अब आपको रिक्टर स्केल से बताते हैं कि किस तीव्रता का क्या असर होता है। सामान्य तौर पर रिक्टर स्केल 1 से 9 तक की होती है,
और 0 से 2 तक के रिक्टर स्केल में भूकंप का पता हमें नहीं चलता है, ये केवल सिस्मोग्राफ पर ही रिकॉर्ड होता है। धीरे धीरे रिक्टर स्केल पर भूकंप का स्तर बढ़ जाता है और रिक्टर स्केल में तीव्रता का हर एक स्तर पिछले स्तर से 10 गुना ज्यादा गंभीर होता है। और इस रिक्टर स्केल में 4 तक तो मध्यम भूकंप की स्थिति होती है, यानी ज्यादा नुकसान नहीं होता, हमें केवल भूकंप का पता चलता है। लेकिन 5 के बाद की तीव्रता से दिक्कत शुरू हो जाती है और 7 के बाद तबाही और बर्बादी होने लगती है। 8 के बाद हालात बिगड़ जाते हैं, जबकि 9 के बाद तो सुनामी जैसी स्थिति होती है। जापान में साल 2011 में आए भूकंप की तीव्रता 9.1 रही थी और इस दौरान जमीन लहराते हुए नजर आए। वैसे जापान में हर रोज 400 से ज्यादा भूकंप के झटके आते हैं, जिनमें से काफी भूकंप का पता भी नहीं चलता है, यानी भूकंप के इस रिक्टर स्केल को हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इससे आप खतरे का एहसास कर सकते हैं और उसके बाद होने वाली तबाही को भी आप जान सकते हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया, इन भूकंप की घटनाओं का कोई पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है, यानी हम विज्ञान के दृष्टिकोण से कितनी भी तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी किसी भी तरह की तकनीक का हमने पता नहीं लगाया है जिससे ये पता चले कि कब और कहां किस तीव्रता के साथ भूकंप आना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि साइंस तो अभी तक लगातार तैयार नहीं है। साइंस ये कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो भूकंप को लेकर यह कहा जाता है कि इसका पहले से पता लगाना मुश्किल है। हालांकि भूकंप के दौरान जो तरंग निकलती है उसे सिस्मोग्राफ के जरिए रिकॉर्ड किया जा सकता है और भूकंप कितना गंभीर था इसका पता रिक्टर स्केल से चलता है। भूकंप का पहले से अनुमान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग रिसर्च में यह दावा किया गया है कि जानवरों को भूकंप का एहसास पहले से ही हो जाता है। कुछ जानवर, खासतौर पर कुत्ते, बिल्ली, मछली, सांप को लेकर यह दावा किया जाता है कि इन जानवरों को भूकंप के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और ये जानवर अपनी हरकतों से इसे जाहिर भी करते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में किए गए एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भूकंप से पहले जानवरों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला था। और इस रिसर्च के मुताबिक पेरू में 7 की तीव्रता का भूकंप आने से पहले यांचागा नेशनल पार्क के जानवरों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला और वो उस जगह को छोड़कर जाने लगे थे। इसी तरह से इटली में वर्ष 2009 में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। वहां भी रिसर्च में यह पता चला कि वहां के जानवरों के व्यवहार में बदलाव आया। हालांकि कई वैज्ञानिकों को ने पूरी तरीके से इसे कहा कि यह सही नहीं है और कई वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द अर्थ जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा अनुमान लगाना मुश्किल है और साथ ही ऐसे रिसर्च का सैंपल साइज भी कम कर रहा है, इसलिए ऐसे दावे पर भरोसा करना मुश्किल है। भले वैज्ञानिकों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि जानवरों को भूकंप का पता पहले चलता है, लेकिन दुनिया भर की संस्कृतियों में सैकड़ों वर्षों से यह मान्यता रही है कि जानवर भूकंप से पहले ही उसे जान लेते हैं और उनके व्यवहार में बदलाव देखने को मिलता है। इसका सबसे पहला जिक्र आज से 2300 वर्ष पूर्व ग्रीस में मिलता है। उस दौरान चूहे, सांप और दूसरे जानवर बड़े भूकंप के आने से पहले अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण 1975 में चीन में भी मिलता है और चीन के हाइचेंग शहर में 7.3 तीव्रता का भूकंप आने से कुछ दिन पहले ही उस शहर के कुत्तों के व्यवहार में बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद उस शहर के अधिकारियों ने भूकंप की आशंका से शहर को खाली करवा दिया, जिससे भूकंप आने के बाद ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई। उस शहर की आबादी 10 लाख थी और अगर शहर खाली नहीं करवाया जाता तो 1 लाख लोगों की मौत की संभावना उस वक्त भी जताई गई थी और यह संभव था। इसके बाद भूकंप को लेकर जानवरों के भविष्यवाणी को लेकर कई रिसर्च हुए। हालांकि अभी भी इस मुद्दे पर विवाद है, लेकिन हम एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं, शायद इससे आपके मन में जो सवाल है उसका कुछ जवाब मिले।
ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें भूकंप आया इसका पता घर के भूकंप यानी पालतू जानवरों ने दिया। यहाँ इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं, यहाँ दो डॉग्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इन्होंने रात में कितनी धमाचौकड़ी मचाई होगी और कैसे पूरे घर को जगाया होगा। मंजू जी हमारे साथ हैं। मंजू जी, ये तो वैसे भी इनको शांत बिठाना मुश्किल है, रात में कुछ पता चला? हाँ, कुछ अचानक ये लोग उठ गए और इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ा सा इनको मेरा जर्मन शेफर्ड है, वो जैसे जगाता है, कभी भी मॉर्निंग में मेरे लेट हो जाते हैं तो जगाता है वो। उसी तरह से वो मुझे आके अपना मुंह लगा के मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था, तो समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि ये अर्थक्वेक का के वजह से, मतलब इन लोगों को तो पहले ही पता चल जाता है पेट्स को, तो आइडिया हो गया था, तो इसलिए वो वार्न करना चाह रहे थे या जो भी ऐसा कुछ करना चाह रहे थे। जैसे लिफ्ट भी है, एक ऐसा है लिफ्ट है, जैसे लिफ्ट से आते जाते हैं तो पता नहीं कैसे वाइब्रेशन से या सेंसेशन इनका इतना स्ट्रांग होता है कि नीचे कोई आ रहा है और इनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एरो से देखते हैं या कैसे नंबर जब ऊपर नीचे होते हैं, किस कैसे भी इनको पता चल जाता है। लिफ्ट के पास खड़े होके वेट करते हैं जो जाहिर है, क्योंकि जब लिफ्ट चलती है तो भी धरती में वाइब्रेशन होती है और उसी वाइब्रेशन को पेट्स पहचान लेते हैं। आप रात में अपने आप जगी या इन्होंने ही जगाया? इन्होंने ही जगाया। क्या एक्टिविटी हो रही थी? बस आके उछल कूद करना। हमारे मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मोटर सिस्टम, एक होता है सेंसरी सिस्टम। ऐसे ही जानवरों में भी दो पार्ट होते हैं, उनमें एक जो है मोटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, दूसरा है जो सेंसरी सिस्टम देखता है। सेंसरी के अंदर जो होता है टच है, टेम्परेचर है, पेन है, वाइब्रेशंस है, इसको समझने की और फील करने की, महसूस करने की शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं जानवरों में इंसानों से अधिक होती है। इसी वजह से जो है जानवर भूकंप को जल्दी पहचान लेते हैं, समय से पहले उनको पता लग जाता है। ऐसा कई सारी स्टडी में देखा गया है कि जानवरों को 3-4 घंटे पहले, इवन कई दिनों पहले, खासकर जो मेंढक है, मछली है, सांप है, चूहे हैं, हाथी है, भैंस है, गाय है, कुत्ते हैं, इन सबको कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, उनका आभास पहले ही हो जाता है। भूकंप आया, आपको पता चला या नहीं चला? बहुत मुमकिन है कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो उसे जरूर पता चल गया, और ऐसे में ये सवाल उठा कि क्या जानवरों की कोई सिक्स्थ सेंस होती है जिससे उन्हें भूकंप की आहट का पता पहले चल जाता है। हमारे साथ डॉक्टर रीटा गोयल हैं जो कि वेटनरी एक्सपर्ट हैं। मैम, क्या जानवरों में ऐसी खासियत होती है कि मनुष्य के मुकाबले वो ज़्यादा जल्दी पहचान लेते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है? उनको वाइब्रेशन से पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। यू नो, जो हलचल पृथ्वी में होता है वो एकदम उनको पकड़ में आ जाता है, तो उनको बहुत पहले पता लग जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वो कैसे उनको पकड़ में आता है, उसके प्रैक्टिकल रीजंस अगर हम जाएं उसमें? मतलब फर्स्ट वाइब्रेशंस, यू कैन फील द वाइब्रेशंस, लाइक इफ यू रेल की पटरी भी, इफ यू वांट टू हियर द ट्रेन, ट्रेन आ रही है तो आप अपना कान लगाओगे रेल पर तो आपको वाइब्रेशंस साउंड पता लग जाएगा कि गाड़ी आ रही है लॉन्ग बिफोर गाड़ी आए, ठीक है ना। तो वैसे ही जानवरों को, उनका तो सेंस ऑफ हियरिंग इज मच मोर एक्यूट, इसी वजह से रेस्टलेस भी हो जाते हैं जानवर। हाँ बिल्कुल, उनको पता लग जाता है कि कुछ अननेचुरल चीज होने वाली है, जो आम चीज नहीं है, कुछ नया, कुछ अलग है। आप देखते हैं इवन स्टॉर्म, तूफान आने से पहले आप देखोगे गाय वाय सारे इधर उधर, यू नो, जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, देखने लगते हैं, या बाहर हो तो फिर फटाफट घर आ जाते हैं। दूसरी बात आप ये देखो कि गाय कहीं खो गई है तो पुराने जमाने में लोग कहते थे चक्की, वो जो घर में जो ग्राइंडिंग स्टोन होता है उसको चलाओ, आटा वाला तो या चावल वाला, तो वो उस आवाज से फटाफट उनको रास्ता घर का पता लग जाता है। अर्थक्वेक को पता करने का, पहले से प्रिडिक्ट करने का अभी तक कोई भी सटीक तरीका है तो वो है जानवरों की एक्टिविटी, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक तरीका अभी तक ऐसी मशीन इजाद नहीं कर पाया है जो भूकंप के आने का पता पहले से दे दे। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। भूकंप को वैसे तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन बचाव तो किए ही जा सकते हैं। भूकंप आने पर घर से निकलना, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना, कुछ ऐसे उपाय हैं जो बेहद जरूरी हैं। तो प्रकृति की इस आपदा के दौरान आप अपना बचाव करें और सुरक्षित रहें।